Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. اے دونوں جہاں کے مالک میرے رب، تیرا کروڑ ہا شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہے ہر سو. ہم نے हमेशा तेरे ही दर से उम्मीदें लगाई हैं और हरगिज मायूस नहीं लौटे. या रब्बी, तू अपने नूर से तारीखियों को रोशन करता है. या रब्बी, तेरी रहमत हम पे हमेशा बरसती रहती है. तू चाहे तो शिफा भी होती है. या रब्बी, तेरा नाम और दीन की सरबुलंदी के मकसद लिए इस्लाम का झंडा पूरे जहां के कोने कोने तक पहुंचाएंगे. ताकत अता फरमा तू हमें. आमीन आमीन. ए मेरे अल्लाह, तू हमारा रास्ता आसान कर. रास्तों से मुसीबतों को हटा मेरे अल्लाह. आमीन आमीन. से अपने बच्चों से दोबारा मिलना नसीब फरमा. हर जगह को अच्छी तरह से देखो. वो खवातीन ज्यादा दूर नहीं गई होंगी. चलो अच्छी तरह साफ कर लो. सल्तुक चिरकुताई 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 मेरे भाई, शुक्र है. मैं अब ठीक हूं मेरे प्यारे भाइयों. मैं ठीक हूं. जरकुताई को मारना इतना आसान नहीं है. और जरकुताई
मरने वाला नहीं है। कभी नहीं मरेगा। शुक्र है तभी नहीं आ गया। अच्छे भले तो हो तुम मेरे भाई। ये जंग रियासत को बचाने के लिए है और इन कमजोरफ लोगों का सोचकर मेरा खून खौल रहा है, मगर हमारे सरदार हमें यहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। उन्हें लगता है इस तरह हमें कैद करके कामयाब हो जाएंगे, मगर हमारे जिंदा दिलों को कोई कैद नहीं कर सकता। हाँ, बताओ जरा, क्या कोई जिंदा दिल शख्स कभी कैदी बन सकता है? कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम यहाँ से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह मेरे भाई। अल्लाह ने चाहा तो हम यहाँ से जरूर निकलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आ गया फिर से। जो भी मेरे साथ बगावत करता है उसका अंजाम यही होता है। उसकी जानवरों से भी बदतर हालत हो जाती है। तुम लोग उस्मान की ताबेदारी करके सलजू की वजीर के साथ बगावत करोगे? हाँ, चलो देखते हैं उस्मान तुम्हारा सरदार तुम्हें बचा सकता है या नहीं। तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे, अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। वजीर आलम शाह, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। हाँ बिल्कुल निकल जाओगे, मैं तुम्हें निकालने ही आया हूँ। चलो, वक्त हो चुका है, तुम सब के सब भेड़ियों का शिकार बनोगे। हाँ। तुमने मुझे पकड़ लिया उस्मान। जुल्म की हुकूमत खड़ी की और जालिमों में से हो गए। तुम्हारे घोड़ों की टापे सुन सुन के ये पूरी सरजमीन तंग आ चुकी थी। कितने बेगुनाहों को तुमने कत्ल किया, लेकिन अब तुम्हारा वक्त आ गया है। तुमने पकड़ तो लिया है, मगर बहुत देर हो चुकी है। मैं पहले ही अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं और ये तुम्हारे लिए जहन्नुम है। को नहीं लगता आप बहुत दूर आ गई हैं मोहतरमा? पाला को कुछ खाने की जरूरत है कॉर्नेलिया, वो बहुत कमजोर है। सुराग इस तरफ इशारा करते हैं और वहां कुछ गार भी है, वो जरूर यही होंगे। उस्मान की बीवी इस हालत में ज्यादा दूर नहीं जा सकती।
चलो। जरूरी है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? इस लम्हे का मुझे बहुत अरसे से इंतजार था, कैसे छोड़ दूं उन्हें मैं? उस्मान साहब, उस्मान साहब, हमारे सिपाही उनके पास हैं। उस वजीर ने हमारे कबीले पर हमला कर दिया, खवातीन को भी कैदी बना लिया। क्या कह रहे हैं आप? मिंगियान को उस्मान से वापस लूंगा, वो बहुत कुछ जानता है, मुझे उसकी जरूरत है। वो 20,000 सिपाही कहां है? कमांडर के हाथों, वो बस पहुंचने वाले हैं। आने दो उन्हें ताकि इस सरजमीन पर कयामत आ जाए। हुजूर, मैं गुंडों साहब को तलाश करने के लिए निकली थी, फिर खवातीन को तलाश करने सोच गई, लेकिन शुक्र है वो वहां नहीं थे, भाग चुके थे वहां से। अल्लाह का शुक्र है उसका। फिर रास्ते में गुंडों साहब मिले और हम यहाँ आ गए। अल्लाह तेरा शुक्र है। उन्हें तलाश करना है। सिपाही वजीर के पास है, हमें बचाना होगा उन्हें, खवातीन को भी लेकर आएंगे। ये हमारे पास आखिरी मौका है, अब हमें अपने लोगों को तलवारें फराहम करना होंगी। मैं तमाम सरदारों को खबर भिजवा देता हूँ ताकि वो लोग हमारी मदद कर सके। क्या आपकी इजाजत है? इजाजत है, खुली इजाजत है। जो कोई भी तलवारबाजी जानता है बुलाइए उसे भाई। हर किसी को खतरे से आगाह कीजिए, जंग ऐसे ही जारी रखेंगे। जैसे आपका हुक्म उस्मान साहब। खवातीन को लेने अभी जा रहा हूं मैं, किसी की भी जरूरत नहीं है हमें, वो अकेला ही काफी है। ये क्या तू के सब राज जानता है?
मंगोलों के बारे में हर बात मालूम है इसे। गहातू के तब्रेज जाने के बाद जो इस पूरे इलाके पर हुकूमत करना चाहता था वो मंगोल कमांडर हमारे हाथ में है। दुर्गुत साहब, इस सांप को साथ ले जाओ और अपने सिपाहियों को लेकर। कोशिश जी बोलिए। अपने कले वापस जाओ। धंदोस भाई, आईगुल और आप कबीले को लौट जाइए। कबीला आप लोगों के हवाले है। चलो। उस्मान साहब, हुजूर, मैं कहना तो नहीं चाहती मगर बाला खातून, जब मैं कबीले से निकल रही थी तो उस वक्त विलादत का वक्त करीब। या अल्लाह हिफाजत कर, दोनों तेरे हवाले हैं या रब। मारी, वजीर के सिपाही यहां तक आ गए, हमें निकलना होगा। या अल्लाह रहम फरमा। क्या कर रही हो बेटी, बैठ जाओ। ठीक हूं मैं अम्मा। बिल्कुल भी ठीक नहीं, इस हालत में खड़े नहीं होते, बैठी रहो। मलहून और हानी से पकड़ा दो। वालिदा ठीक कह रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बढ़ो आगे, आप अपना ख्याल रखिएगा। अलाजा, क्या कर रही हो यार? उस्मान साहब नजर नहीं आ रहे। क्या फर्क पड़ता है वजीर आलम शाह? जनाब, दुर्गत साहब है। क्या तुम हम सबको मारना नहीं चाहते थे? हाँ, तुम्हारा, उस्मान का और सब के सब सरदारों का सर तन से जुदा करूंगा मैं। जब से हम इस राह पर चले हमें अपने सर की कोई फिक्र नहीं। अब जरा गौर से मेरी बात सुनो, सिपाहियों को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो। दुर्गुत साहब, आप सलामत रहें। तुम्हारी जानों के सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे, और तुम्हारे पास देने के लिए क्या चीज है? हाँ।
ताकत, ताकत पसंद है ना तुम्हें वजीर आलम शाह? तुम ताकत हासिल करना चाहते हो ना, तो ये लो। बिंगिया ये मंगोलों का राज जानता है। वो मंगोल कमांडर जिस पर ग्याहत इतना भरोसा करता है वो मेरे पास है, मिंगिया। मिंगिया तरगुज साहब मिंगियान को ले आए। जानता हूं क्या तू जिंदा है, मगर हम उससे डरते नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उसे पता चला कि तुमने मिंग्यान को बचाने का मौका हाथ से जाने दिया तो मुझे यह सोचकर ही तुम्हारे हाल पर तरस आ रहा है। जनाब वो गार की तरह लग रहा है। पीछे रहो। एक कदम भी आगे मत बढ़ना। हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। हम लोग अपनी आखिरी सांस तक तुम लोगों से लड़ते रहेंगे। हथियार डालने वालों में से नहीं है। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। उस्मान आप आ गए, मेरे उस्मान। Oh
शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है उसका। इस लम्हे का बहुत अरसा इंतजार किया। एक और बेटा आ गया उस्मान साहब। अरे माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह। लेंगे इसे, लीजिए। कोई ख्वाब तो नहीं उस्मान? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। ये एक मौजज़ा है, दुआओं का समर मिला है हमें ये। एक अच्छा नसीब लेकर पैदा हुआ है ये मेरा बेटा। और हान बेटा, लाओ इधर दो जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।